कोरोना वायरस से निपटने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। जहां धारा 144 के तहत उल्लंघन के आरोप में 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वहीं लॉकडाउन के दौरान जानबूझकर अपनी पेंट दुकान और होटल खोलने के आरोप में वासेपुर के 2 दुकानदारों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में बेल बॉन्ड भरवाकर थाने से मुक्त कर दिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। वो धारा 144 को तोड़ने और ग्रुपिंग करने, इकट्ठा होने और जो निर्देश दिए गए थे, जो प्रतिबंधित सूची थी, उसका जो है वो उल्लंघन करने के जो है वो मामले आए हैं। हम लोगों ने जो है वो वाहनों की भी जो है वो हम लोग जांच वगैरह कर रहे हैं, ताकि अनावश्यक रूप से गाड़ियां जो है वो ना चले, बल्कि एसेंशियल जो है वो सर्विसेज के लिए जो व्हीकल्स हैं वो उन्हीं का परिचालन हो, और लोग भी अवेयर हुए हैं। अब ज्यादा दृढ़ता पूर्वक इसका जो है वो अनुपालन जो है वो कराया जा रहा है। काला बाजारी को लेकर के बाजार पर्यवेक्षकों को जो है वो प्रतिनियुक्त किया गया है, वो लगातार जो है वो बाजार में जो है वो भ्रमण कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा जो भी हमारा रिटेल प्राइसिंग है वो सर्कुलेट किया जा रहा है। अगर ये जो है वो आज जो जारी किए जाएंगे वो 3 दिनों तक जो है वो रहेंगे, उसके बाद से जो है, चूंकि जो स्टॉक्स जो है वो उसके अनुसार से अभी जो है वो जारी किए जा रहे हैं। लगातार जो है वो इसको मॉनिटर करने का जो है वो काम जो है वो जिला प्रशासन करेगा, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो।